कोयल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? विकी ने ये सब ईशा की जान बचाने के लिए कहा है। ये सब तुम कैसे कह सकती हो मंत्रा? कोयल, प्यार, प्यार का पागलपन। अच्छा देखो, तुम गर्व से प्यार करती हो और तुम्हारे और गर्व के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो गर्व की जान बचाने के लिए तुम झूठ नहीं बोलोगी जैसे विकी ने उस रोज कहा? शायद तुम सही कह रहे हो। कोयल, मेरे और तुम्हारे ठीक होने से क्या होता है? वैसे ईशा की क्या किस्मत है ना, दोबारा बच गई। वैसे अगर बोली ठीक जगह लगती तो कम से कम तुम्हारे दिल को तो ठंडक पहुंच जाती है ना। इन सब बातों से एक बात तो सच साबित हो गई है कि ईशा ने गर्व को कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं, सिर्फ उससे प्यार करने का ढोंग किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ईशा से ये ढोंग कोई करवा रहा था? अब देखो, तुम मानो या ना मानो, इन सब के पीछे मुझे उस रिमझिम का ही हाथ लगता है। कैसी माँ है ना, हमेशा अपनी बेटी की खुशियाँ छीनने की कोशिश करती रही, कभी भी गर्व और मेघा को एक नहीं होने दिया। कोयल बिटिया, ले तुम यहाँ हो, अब पूरे घर तुम्हें खोज आए भाई। क्या बात है महाराज जी? अरे भुला गई का? अरे आज अस्पताल तुम्हें खाना लेके जाना है भाई। मैं भूल सकती हूँ क्या? लाइए दीजिए। जी ले, इसमें जो है विक्की बबुआ का पसंद का खाना है, उसे खिला जरूर देना है। जी जरूर महाराज जी। ठीक है, मंत्रा, मेरा दिल कहता है आज नहीं तो कल मेरा गर्व मेरे पास जरूर लौटेगा, वो वापस जरूर आएगा। Excuse me.